नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। शुक्रवार के दिन जनपद के तमाम हिंदू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा। हिंदू संगठनों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच आदि शामिल रहे। सभी संगठनों ने हिंदू स्वाभिमान संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं दिए गए ज्ञापन के अनुसार हिंदू संगठनों का कहना है कि शहर में पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज द्वारा अवैध रूप से मांस की तस्करी वीआईपी गाड़ियों में बड़े शहरों के लिए की जाती है, जिसमें अन्य जानवरों के मांस के साथ गौ मांस की भी तस्करी की जाती है, जबकि इनमें से किसी के पास मांस को ले जाने या बेचने के लिए सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाला कोई भी अधिकृत लाइसेंस नहीं है। दिए गए ज्ञापन के अनुसार हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि 14 जनवरी को सुबह लगभग 3 बजे कोतवाली पुलिस महोबा द्वारा एक स्कॉर्पियो जिसमें टीवी प्रेस लिखा हुआ था, जिसमें मोहम्मद सलीम पुत्र अज्ञात निवासी महोबा एवं 3 अज्ञात लोगों के साथ लगभग 10 बोरी मांस के साथ पुलिस ने पकड़ा था, परंतु पुलिस के द्वारा पकड़े गए अभियुक्त सलीम को तुरंत ही छोड़ दिया गया एवं अज्ञात 3 लोगों को बिना किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई किए एक दिन बाद छोड़ दिया। यह ज्ञापन हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर सभी आरोपियों को पकड़कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए, अन्यथा सभी हिंदू संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। महोबा में पिछले 30 वर्षों से अवैध गौमांस, अवैध मांस की तस्करी की जाती है, उसी अन्य जानवरों के साथ गौमांस की भी तस्करी होती है। पिछले 30 वर्षों से हिंदू संगठन इसका प्रयास कर रहे थे। 14 जनवरी 2022 को सुबह 3 बजे कोतवाली पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जिसमें टीवी प्रेस लिखा हुआ था उस गाड़ी को पकड़ा और उसमें लगभग 10 बोरी 2 क्विंटल मांस पकड़ा गया। मोहम्मद सलीम एवं अन्य 3 लोग उसमें पकड़े गए पुलिस के द्वारा बताए अनुसार, और उन्होंने पुलिस ने सुबह 9 बजे मोहम्मद सलीम को छोड़ दिया और 2 या 3 जो अज्ञात लोग थे उनको बैठाए रहे, पर अभी तक पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से संदिग्ध है, किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है। मांस पशु चिकित्सालय में रखा है, उसका जो सैंपल होता है कि वह किस जानवर का मांस है, जो फूड विभाग में जाता है, ऊपर लैब में जाता है, वो गया नहीं। पुलिस ने जो दोनों लोगों को पकड़ा उनके नाम उजागर नहीं किए, मीडिया सेल में डाला नहीं गया, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इसको मद्देनजर रखते हुए आज विभिन्न हिंदू संगठनों ने एक साथ मिलकर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले अपर एसपी साहब को इस बात से अवगत कराया। उन्होंने इस बात को माना है कि इसमें लापरवाही हुई है, संबंधित जो दोषी लोग हैं, जो अभियुक्त हैं और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भरोसा किया है। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे डीआईजी डीजीपी हमारे पास बहुत सारा विषय है, हम उस पर जाएंगे, क्योंकि यह 30 वर्षों का मामला है। और पहली बार जिस स्कॉर्पियो में पकड़ा गया 2 क्विंटल मांस पकड़ा जाता है, पूरी तरह से असुरक्षित है, किस जानवर का है यह पता नहीं है। हम मानते हैं कि संभवित वह गौमांस है और उसको लैब नहीं भेजा जा रहा है, जिस तरह से 8 दिन से जिस तरह पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, नाम उजागर नहीं किया, निश्चित रूप से पुलिस की पूरी तरह से घोर लापरवाही है और इसमें घोटाला। आज लगभग कितने लोग और किसके संगठन लोग यहाँ पर मौजूद? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जागरण मंच, विद्यार्थी परिषद, महोबा जनपद के सभी हिंदू संगठन हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है। लगभग आधा सैकड़ा प्रमुख प्रतिनिधि इसमें मौजूद थे, उन्होंने अपर एसपी साहब को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। मैंग जी, क्या रहा पूरा मामला और किन कारणों के चलते आज आप लोगों के संगठन द्वारा एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है? जी, यह 15 तारीख को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें पीछे टीवी प्रेस करके एक स्लोगन लगा हुआ था, किस पत्रकार की ये तो जानकारी नहीं है लेकिन है वो किसी पत्रकार बंधु की, और उसमें सस्पेक्टेड मांस जो है पकड़ा गया था और उसकी कार्रवाई को लेकर हम लोग यहाँ आज कप्तान साहब के पास आए थे कि उस विषय में क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या होने वाली है। दरअसल इसमें जब हम लोगों ने जानकारी ली तो पता चला कि यह फूड से संबंधित मामला है। फूड विभाग वालों से हमने जानकारी ली तो उनका कहना यह था कि हमने उसमें अवैध तरीके से बगैर लाइसेंस के मांस बेचने हेतु के तहत जो कार्रवाई होती है वो की है, और आगे वेटनरी वालों का मामला है। जब वेटनरी वालों से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि हमने इसका सैंपल ले लिया है और सैंपल लेने अभी तक कोई नहीं आया। तो अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई क्या नहीं हुई इस विषय को लेकर हम लोग कप्तान साहब के पास आए थे,
और आज उनको ज्ञापन भी दिया और यह मांग की है कि दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें।